हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे स्ट्री न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए नियामक सेबी बोर्ड की तरफ से एक बड़ी लेटेस्ट न्यूज देने जा रहे हैं। दोस्तों, जो न्यूज आपको हम देने जा रहे हैं, उस न्यूज को सुनाने से पहले दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको पता चल सके कि जिन निवेशकों ने अपने बॉन्ड ऑफिसों में जमा कर दिए थे, अब उनके लिए वेरिफिकेशन का जो कार्य सेबी विभाग द्वारा देखा जा रहा है दोस्तों, वो कब तक पूरा होगा और कब तक उन निवेशकों के लिए सेबी वेबसाइट पर एक्नॉलेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, जो स्लिप मिली थी पल्स रिफंड डॉट कॉम, इन पर यह जमा की जाएगी। तो दोस्तों, इस पर्पस में जो न्यूज है वो सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि दो शब्द हम आपको अपने बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि 2018 में हमने आपको बताया था कि फरवरी माह में निवेशकों के पैसे का प्रोसीजर चालू हो जाएगा, तो दोस्तों उस वक्त हमारे पास बहुत से कमेंट आए थे जिन पर कुछ फेंक बताने वाली बात की गई थी। लेकिन दोस्तों, ये बात तो थी 2018 फरवरी की, लेकिन दोस्तों जब हमने आप लोगों को अभी फिलहाल 2019 में जो वीडियो डाली, उन वीडियो में हमने आपसे बताया था कि दीपावली से पहले पहले निवेशकों का पैसा का अगला प्रोसीजर चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2500 के बाद 5000 के प्रोसीजर के बारे में हमने आपको बताया, और रेगुलर कई सारी वीडियो में हमने दोस्तों आपको यही बताते रहे कि दीपावली से पहले पहले रिफंड शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, दीपावली से पहले पहले रिफंड शुरू हो गया, तो दोस्तों इस बीच में जितने भी हमारे पास कमेंट आए उनमें बहुत अद्भुतता की मतलब शिकायतें और ना जाने क्या क्या उनमें टॉन्टिंग कसी गई थी। तो दोस्तों, अब जब दीपावली के पास 5000 का प्रोसीजर आया तो वो तो सब भूल गए जिन्होंने जो भी हमें टॉन्टिंग कसी थी, लेकिन दोस्तों हमें अब भी याद है। तो मैं उन सभी निवेशकों से कहना चाहता हूं कि अगर वो हमारी इस आज की वीडियो को सही समझते हैं तो हमारी इस न्यूज पर बने रहे, अन्यथा दोस्तों उनकी मर्जी है। तो पूरी न्यूज ये है दोस्तों, सेबी विभाग में जो आप सभी निवेशकों की शिकायतें पहुंची हैं, जैसे हम सेबी विभाग से बात करते रहते हैं और हेल्पलाइन पर उनसे पूछते रहते हैं कि जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में ऑलरेडी पहले ही जमा है, उन निवेशकों का पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, उसके आश्वासन हमें मिलते रहे कि बहुत जल्दी प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उस पर्पस में आज हमारे पास ये न्यूज़ है कि आपकी वेरिफिकेशन का काम ठीक एक महीने के बाद, जी हाँ दोस्तों, पूरा हो चुका होगा और आपको अगले महीने पैसे मिलने की एक नई सूचना मिल चुकी होगी। तो दोस्तों, हमारी इस न्यूज को आप बिल्कुल जैनमैन न्यूज समझे, क्योंकि दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सेबी विभाग पर सबमिट है उनके वेरिफिकेशन के साथ साथ दोस्तों एक्नॉलेजमेंट वालों के भी, जहां दोस्तों एक प्रोसीजर चालू किया जाएगा जिसमें सभी निवेशकों की सभी डॉक्यूमेंट के साथ उनकी रिसीव भी, जी हाँ दोस्तों, जो ऑफिस से मिली थी वो रिसीव भी जमा की जाएगी। और आप कभी प्रोसीजर अब बहुत जल्दी चालू होने वाला है, तो दोस्तों आपकी एक बड़ी परेशानी हमने सॉल्व की है। लेकिन दोस्तों, अब कितने का मिलेगा यार, कितने का नहीं, इतना हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये है कि तीसरा प्रोसीजर भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, जिसकी एक महीने के बाद तक वेरिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, का काम पूरा हो जाएगा जितने भी बॉन्ड सबमिट किए गए हैं। और अगला कार्य जो होगा सेबी विभाग का, वो आपकी जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनकी रिसीव अपने पास मंगाएंगे, सभी आपके डॉक्यूमेंट जो आरडी आपकी वे लगेंगी। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ हम अक्सर आपको देते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारी बात पर कुछ फेंक लगती है, कुछ भ्रम भ्रांतियों वाली बातें आप करते हो। तो दोस्तों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय